वेलकम बैक टू माई चैनल, इट्स मी अंजलि। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, आज आप लोगों को मेरी एक्साइटमेंट देख के समझ आ गई होगी कि आज का ब्लॉग सुपर डुपर एक्साइटेड होने वाला है। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहना। तो गाइस, मैं आप लोगों से थोड़ा बहुत तो रिवील कर ही सकती हूँ, क्योंकि सरप्राइज मम्मी के लिए है, बट आप लोगों के साथ तो शेयर कर ही सकती हूँ ना। सो गाइस, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आज मैंने मम्मी के लिए ना बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट ऑर्डर करा है। एंड मुझे ना गिफ्ट ऑर्डर करे हुए कम से कम एक हफ्ता हो चुका है, एंड मेरी डिलीवरी डेट आज ही है। जो ऑर्डर करा था मैंने उसकी डिलीवरी डेट आज है। एंड आई एम टू हैप्पी बिकॉज मैं ना फर्स्ट टाइम अपने पैसों से मम्मी को कुछ गिफ्ट देने जा रही हूँ। एंड गाइस, सुपर डुपर एक्साइटमेंट इस बात की है कि मैंने मम्मी को इतना सा भी पता नहीं चलने दिया कि मैं आखिर गिफ्ट में मतलब गिफ्ट ऑर्डर भी कर रही हूँ तो क्या करने वाली हूँ। तो आप लोग इमेजिन कर सकते हो ना कि मम्मी ने सोचा भी नहीं होगा और अचानक से उनको इतना बड़ा वाला सरप्राइज मिल जाएगा तो कितनी ज़्यादा खुश होंगी। सो फैमिली, आप लोग ना मेरे साथ ना व्लॉग में बने रहें ताकि आप लोग ना इतना सभी मेरे साथ व्लॉग को मिस ना कर पाओ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं फर्स्ट टाइम मम्मी को कुछ देने जा रही हूँ। एंड अगर गाइस आप लोग भी अपनी मम्मी को कभी सरप्राइज कर रहे हो ना अपने पैसों की अपने चीज़ के साथ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, बिल्कुल मत भूलना। एंड फाइनली इतना ज़्यादा। एंड गाइस, अभी बस डिलीवरी बॉय का कॉल आया था मुझे कि वो बस हमारे घर के आसपास आ ही चुके हैं, तो कभी भी ऑर्डर आ सकता है। जस्ट मैंने कॉल करा था तो बोल रहे थे कि मैं लगभग 2 बजे तक आऊँगा, बट जस्ट अभी कॉल आया कि वो 1-1.5 घंटे के बाद आ जाएंगे। तो आप लोग ना व्लॉग में बने रहना ताकि आप लोग कुछ मिस ना कर पाओ। ओके, आई एल कंटिन्यू व्लॉग, जैसा जैसा होता जाएगा मैं सब कुछ कंटिन्यू करके आप सबको दिखाऊंगी, तो व्लॉग मिस मत करना। गाइस, अभी डिलीवरी बॉय आ चुके हैं एंड बस मुझे भी वो जो हमने ऑर्डर करा है वो लेने जाना है। एंड गाइस, बहुत ही स्पेशल होने वाला है, तो आप लोग ना वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखना। सो आप लोग ना वीडियो में बने रहना, वीडियो को स्किप कर दोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग मिस कर सकते हो। सो जस्ट अभी मेरे को डिलीवरी बॉय का कॉल आया था दैट कि वो मतलब हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर थे, तो मैंने बोला मैं इतने दूर तक नहीं आ सकती हूँ, आप हमारे घर के ना आसपास आ जाइए। तो उन्होंने बोला ओके, हम एक शॉप है उधर आ रहे हैं। सो यहाँ पे मैंने अमाउंट भी ले लिया एंड फ़ोन ले ही जाऊँगी बिकॉज कॉल आ सकता है। सो सब कुछ रेडी है, बस अब मुझे लाने जाना है एंड मम्मी को मैं सरप्राइज़ करने वाली हूँ। तो आप लोग भी वीडियो में बने रहिए, पूरी वीडियो देखोगे तभी पता चलेगा आप लोगों को कि आखिर मैंने मम्मी को सरप्राइज़ गिफ्ट में ऐसा क्या दिया कि मम्मी एकदम शॉक होने वाली हैं। तो वीडियो में बने रहना, आने वाला है काफी ज्यादा मजा। अभी डिलीवरी बॉय आ चुका है, अब मुझे जाना है अपना ऑर्डर लेने, तो अभी मैं आप लोगों को नीचे जाके मिलती हूँ। अभी मैं लेके आ चुकी हूँ एंड अभी वक्त है मम्मी को सरप्राइज करने। अभी मैं लेके आ चुकी हूँ मेरा जो ऑर्डर था, तो यहाँ पे ऑर्डर है। एंड गाइस, सब लोग ये सब मैं शो नहीं करूँ बिकॉज हमारे सब डिटेल्स इसी में लिखा हुआ है। तो ये सरप्राइज, पता है आप लोगों को लग रहा होगा कि कितना छोटू सा सरप्राइज है, इसके लिए इतना बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में रहती थी, तो उनको एक काम करना बहुत ही ज्यादा पसंद है और वो काम करके ना मम्मी को बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। तो मैंने सोचा ना मम्मी को जो काम करना पसंद है उससे रिलेटेड मैं ना मम्मी को एक चीज़ दूंगी जिससे मम्मी ना हैप्पी हो जाएंगी। तो मैंने सोचा ना सिंपली मैं मम्मी को मतलब मम्मी को भी पता भी नहीं है कि मैंने कुछ ऑर्डर करा है, ऑर्डर करके मेरे पास वो ऑर्डर आ भी चुका है, तो इसे कहते एकदम बढ़िया वाला सरप्राइज। क्योंकि अगर सरप्राइज मैं बता देती ना मम्मी मैं आपके लिए ना ये चीज़ मंगा रही हूँ, ऐसा ऐसा है, आपको बहुत ही पसंद आने वाला है, वो चीज़ सरप्राइज नहीं रहती। मम्मी भी कहती थैंक यू, मेरे को चाहिए था, पर मैंने मम्मी को कुछ भी नहीं पता, सिर्फ मुझे पता है कि मैंने क्या ऑर्डर करा है। और जो वीडियो शूट करी है दीपांजलि यानी मेरी सिस्टर, उसे हम दोनों ने प्लान बनाया था कि हम मम्मी को ना इतना सा भी पता नहीं चल रहा है ना। तो लेट मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपने अपनी मम्मी को किस चीज़ से सरप्राइज कराया। और ये दिखा दूँ कि मैंने ना मम्मा के लिए ग्रो बैग ऑर्डर करा था, क्योंकि आप लोगों को बताओ मेरी मम्मी को ना प्लांट्स का बहुत ज़्यादा शौक है,
उन्हें ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, तो ना छोटे छोटे गमलों में लगाकर अपना जो स्ट्रेस है कम करते हैं। मैंने सोचा ना मम्मी के ना ग्रो बैग मंगा देती हूँ, उनका हैप्पी और रिलैक्स फील हुआ करेगा। तो आई जस्ट ऑर्डर दिस ग्रो बैग, एंड आप लोग चाहो तो फ्लिपकार्ट से इससे ऑर्डर कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, डोंट वरी अबाउट इट। आप लोग भी अपनी मम्मी को सरप्राइज करें। मैं इसे ओपन करके दिखा देती हूँ कि कैसा दिखता है। आप जब इसे ओपन करोगे, इसका जो पूरा सरफेस है ये कुछ ऐसा है, काफ़ी अच्छा है। आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा है ये, लाइक वाव। मैं तो मतलब सेटिस्फाई हूँ। मतलब आप लोग चाहे तो और इंक्रीज कर सकते हैं क्वांटिटी, बट मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि मतलब मेरे को लग नहीं रहा था इतना भी अच्छा निकलेगा, बट हाँ मम्मी इससे खुश रह सकती हैं। तो फैमिली आप लोग पूरा इसको देख सकते हो कि ये अंदर से कुछ ऐसा दिखता है, एंड इसका मुझे भी नहीं पता क्या होने वाला है, तो चलते हैं बस देखते हैं। मम्मी आपके लिए मेरी तरफ से गिफ्ट आपके लिए, ये बहुत ही अच्छा बेटा। इसको तो मैं बहुत दिनों से लेने वाली थी, लेकिन मैं ले नहीं पा रही थी, और आपने बहुत ही अच्छा किया बेटा, मेरे लिए बहुत ही अच्छा सोचा मेरे बेटा। आपको पसंद आया? बहुत बहुत पसंद है। इसमें मैं जरूर क्या लगाएंगे, इसमें मैं सोच रही हूँ कि इसमें क्या लगाऊं, जब लगाऊंगी तो आपको जरूर बताऊंगी, अभी तो मैं सोचा भी नहीं, क्योंकि आपने मुझे अचानक से दिया था ना, इसलिए मैंने सोच नहीं रखा कि इसमें क्या लगाऊंगी। बहुत ही अच्छा है, मेरे गमले से बहुत ही बढ़िया है ये। अच्छा लगा आपको? मैं नेट पे तो हमेशा देखती रहती, लेकिन मैं कभी मंगवा नहीं पाई। दोस्तों आप मेरे बेटी का सपोर्ट और साथ जरूर देना, क्योंकि मेरी बेटी बहुत ही अच्छी है, जो काम मेरी बेटी कर सकती है शायद वो कोई बेटा नहीं कर सकता, बहुत ही अच्छी है। मैंने इसको पैसे भी नहीं दिया, अगर तूने बताया होता तो मैं तेरे को पैसे नहीं देती। तो सरप्राइज सरप्राइज थोड़ी रहता, आप पैसे देती तो पता चल ही जाता कि आपने मंगवाया है। लीजिए कि मम्मी कितनी बिजी है, आई मीन कितनी हैप्पी है मेरे सरप्राइज से। एक्चुअली ना गाइस, मुझे ना थोड़ा डाउट था कि पता नहीं मम्मी को पसंद भी आएगा कि नहीं, बट मैं ना मम्मी को पता भी नहीं है कि वीडियो बना रही हूँ, मम्मी अपने में ही बिजी है क्योंकि उनको पता नहीं है, और बहुत ही ज़्यादा हैप्पी है। और दीपांजलि मम्मी, पता नहीं भाई कुछ खुसुर फुसुर चल रही है दोनों के बीच में, पर इतना पता है कि मेरी मम्मी को मेरा सरप्राइज तो बहुत ही पसंद आया है। और अगर आप लोगों को भी मेरा सरप्राइज पसंद है, खासतौर पर मैंने अपनी मम्मी को गिफ्ट दिया है, कुछ ये है कि मैंने पार्टी वार्टी का कुछ दिया, बट मैंने अपनी मम्मी को हैप्पी रखने के लिए जो गिफ्ट दिया, आपको पसंद आया मम्मी? मम्मी को ना मेरा सरप्राइज, मुझे लग नहीं रहा था कि कुछ खास पसंद आएगा, पर मम्मी को ना बहुत ही ज्यादा मेरा ओके, सो लाइक सब्सक्राइब बाय गाइस। गाइस आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट से मैं मोटिवेट होती रही, एंड फाइनली आप सभी की प्रे एंड सपोर्ट के कारण मेरी मम्मी अब बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं। अभी भी प्रॉब्लम्स हैं, बट अब पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं, अब वो ठीक हो चुकी हैं। सो आप लोगों को मेरी तरफ से थैंक यू, बट थैंक यू छोटा शब्द है, बट फिर भी बिग बिग थैंक यू टू माय यूट्यूब फैमिली। आप सभी मुझे हमेशा ऐसे सपोर्ट करते रहना, और मैं आप सभी के लिए वीडियो अच्छे अच्छे लाती रहूँगी।